हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेणु यादव गाजियाबाद से कलाकार हूँ मैं। और कोरोना के इस वैश्विक बीमारी से पूरा विश्व ज्ञातव्य है। कोरोना को हराने का अचूक इलाज मास्क, हैंड वॉश और सार्वजनिक दूरी हम सब जानते हैं पर मानते नहीं। जो लोग महामारी के इस समय को सामान्य बताने की भूल कर रहे हैं, उनके कारण सबको पछताना पड़ेगा। लॉकडाउन के हटते ही सब तरफ शोर भगदड़ और लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नजारा है कि लगता है नहीं, कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। मास्क लगाना और जरूरी एहतियात बरतना बेहद कम दिखाई देता है। यह तब का दृश्य है जब संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अस्पतालों में जगह ही नहीं मिल रही है। आगे मैं अपने चित्रों के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जैसे मैं आजकल कमल पर बहुत सारे चित्रों की प्रदर्शनियां लगा चुकी हूं। मैं मुंबई में मैंने अभी हाल में सितंबर माह में मेरा सोलो शो हुआ था, जहां मैंने कमल को कीचड़ के साथ कंपेयर करके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी, जो बहुत ही सफल रही। कमल, जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहते हुए भी अपने आसपास के दुर्गंध युक्त माहौल में भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, वातावरण को सुंदरता से भर देता है, वैसे ही महिलाएं चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, उन्हें अपनी कठिन परिश्रम पर डटकर अपनी आशाओं को हारने नहीं देना चाहिए। पुष्प के जैसी कोमल महिलाएं ही प्रत्येक परिस्थितियों के दलदल में भी अपने सपनों को, आशाओं को हारने नहीं देना चाहिए। पुष्प के जैसी कोमल महिलाएं ही प्रत्येक परिस्थिति के दलदल में भी अपनी सपनों को आशाओं के साथ खिलाती हैं तथा अपने आसपास का वातावरण सुगंधित तथा आनंदित करती हैं।